नमस्कार, मैं आदित्य सांगवान। आज हमारे साथ हैं लिटरेरी क्रिटिक, राइटर और इंडियन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे लिखने वाले मैडम रक्षंदा जलील। वेलकम मैडम। आपने काफ़ी मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लिखा है, काफ़ी आपने उर्दू पे भी काम किया है। आप कौन से एलिमेंट को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? अब मेरा काम ज़्यादातर हिंदी में और उर्दू में है। जो मॉन्यूमेंट्स पे चीज़ें मैंने लिखी थी, दिल्ली पे जो किताब लिखी थी इनविजिबल सिटी, ये कोई 10-12 साल पहले लिखी थी, तो दिलचस्पी तो बरकरार है, लेकिन मेरे ख्याल से लिखना मैंने कम से कम कर दिया है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे। इस वक्त मेरी तवज्जो दिलचस्पी है लिटरेरी हिस्ट्री पे। लिटरेरी हिस्ट्री एक तरह की, इस तरह से समझिए कि आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझना चाहते हैं, यानी कि अगर 1936 में ये किताब लिखी गई थी तो और क्या लिखा जा रहा था 1936 में, क्या इंटरेस्ट थे, मुल्क के क्या हालात थे, राइटर के क्या व्यूज़ थे, राइटर की क्या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी। तो लिटरेरी हिस्ट्री और हिस्ट्री में फ़र्क ये है कि हिस्ट्री तो आपको इवेंट्स, पीपल, प्लेसेस के बारे में बताती है, लेकिन लिटरेरी हिस्ट्री आपको उस टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट बताती है। अभी आपकी रिसेंटली नॉवल आई थी अनसिविल वूमेन, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अनसिविल वूमेन एक्चुअली नॉवल नहीं है, ये एक क्रिटिकल एसेज का कलेक्शन है इस्मत चुगताई पे। इस्मत चुगताई के लिए अनसिविल वूमेन एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया है और इसको मैंने एडिट किया है। अलग अलग लोगों ने इसमें एसेज लिखे हैं इस्मत चुगताई पे। इस्मत चुगताई अब पढ़ाई जा रही हैं जेंडर स्टडीज़ में भी, ट्रांसलेशन स्टडीज़ में भी, इंग्लिश लिटरेचर के डिपार्टमेंट्स में भी, और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इस्मत की कहानियों को, ख़ासतौर से एक पर्टिकुलर कहानी है लिहाफ, जिसकी बहुत चर्चा होती है और जो बहुत अक्सर पढ़ाई जाती है। तो कहानी तो मौजूद है हमारे सामने ट्रांसलेशन में, लेकिन कहानी पे कोई चर्चा नहीं है और इस्मत खुद पे कोई ख़ास चर्चा नहीं है। तो मुझे ये लगने लगा था कि हमें राइटर्स पे भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर हम ख़ासतौर से तब जब वो हमारे करिकुलम का हिस्सा बन गई हैं। तो अगर इस्मत को अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस्मत के आसपास क्या हो रहा था, इस्मत के इन्फ्लुएंसेस क्या थे, इस्मत किस वक्त में काम कर रही थी, किस दौर में काम कर रही थी और उस दौर में और क्या क्या लिखा जा रहा था। तो अनसिविल वूमन के पीछे की कहानी यही है कि इस्मत पे नए स्कॉलर्स ने क्या लिखा है और इस्मत के अपने वक्त के लोगों ने, जैसे फैज़ हुए, उपेंद्र नाथ अश्क हुए, कृष्ण चंद्र हुए, इन लोगों ने क्या क्या लिखा जी। और साथ ही साथ अभी आप कोई लिटरेरी हिस्टोरिकल कोई ऐसी बुक लिखने की सोच रही है, जो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका? हाँ, मैं इस वक्त जिस किताब पर काम कर रही हूँ वो एक बायोग्राफी है। उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर थे शहरयार, आपने उनके गाने सुने होंगे, मुजफ्फर अली की जो पहली फिल्म थी गमन, उसमें भी सुने होंगे, और उमराव जान जो मुजफ्फर अली ने बनाई थी रेखा के साथ, उसमें भी बहुत से गाने शहरयार के हैं। लेकिन शहरयार न सिर्फ फिल्म लिरिसिस्ट थे, फिल्म के लिए तो उन्होंने बहुत कम लिखे थे गाने, वो अपने वक्त के एक बहुत मशहूर और बड़े शायर माने जाते हैं, जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक पे भी की तर्ज में चीज़ें लिखी हैं और साथ ही साथ मॉडर्निस्ट पोएम्स भी लिखी हैं। तो मुझे ये लगता था, उनका देहांत हुआ कोई 3-4 साल पहले फरवरी में, तो मुझे ये लगता था कि एक बड़े शायर पे हमें एक बायोग्राफी होने की ज़रूरत है। और अच्छी बात ये है कि अब हमको इंडिया में ख़ासतौर से उर्दू हुई या हिंदी हुई या जो भाषाएं हैं इन पर अगर हम लोग जो काम कर रहे हैं, और हम में से वो लोग जो भाषाओं में काम कर रहे हैं लेकिन अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, अब हमें पब्लिशर्स ढूंढने की मुश्किल नहीं होती। यानी उर्दू के एक शायर पे मैं किताब लिख रही हूँ अंग्रेज़ी में, और वो अंग्रेज़ी की किताब जो कि उर्दू के राइटर पे है, मुझे किसी बुटीक या नीश या स्पेशलाइज पब्लिशर से छपवाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक बड़ा पब्लिशर हार्पर कॉलेज जो कि एक मेन स्ट्रीम पब्लिशर है, वो खुशी खुशी इस किताब को छाप रहा है। इससे ज़ाहिर ये होता है कि एक इंटरेस्ट है, एक रुचि है, बिकॉज सिर्फ ऐसे ही तो कोई पब्लिशर नहीं छापेगा किताब को। अगर वो इस टाइप की किताबें छाप रहे हैं तो इससे हमें जो क्लू मिलता है वो ये कि अब एक वाइड स्प्रेड दिलचस्पी है और ये चीज़ें एक तरह की फाइनेंशियली वायबल चीज़ें भी हैं। उर्दू से आपका कनेक्शन कैसे हुआ? आप अंग्रेज़ी में ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं या उर्दू में? मेरी मदर टंग उर्दू है, तो हमेशा से मैंने घर में उर्दू में बात की है, लेकिन मैं एक इंग्लिश मीडियम
एजुकेशन की प्रोडक्ट हूँ, तो इसलिए अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी में लिखना, अंग्रेज़ी में पढ़ना, और मैंने एमए इंग्लिश में किया था। उसके बाद बहुत साल पहले कई साल बाद मैंने पीएचडी जो किया वो भी इंग्लिश में लिखा। लेकिन पीएचडी करते वक्त तक मेरी इंटरेस्ट, और मैंने काफ़ी साल बाद किया एमए के बीच में और पीएचडी के बीच में 20 साल का फ़र्क था। उन 20 सालों में मैंने अपने आप को खुद से उर्दू लिखना पढ़ना सिखाई। घर में दिलचस्पी थी और मैं जो स्कूल में जाती थी दिल्ली पब्लिक स्कूल में, वहाँ आपको थर्ड लैंग्वेज के तौर पे आप 6th, 7th, 8th में कोई भी लैंग्वेज सीख सकते थे, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पंजाबी, उर्दू भी थी। तो मैंने 6th, 7th, 8th में स्कूल में उर्दू पढ़ी, लेकिन वो बहुत ही बेसिक थी, इतनी नहीं थी कि आप उसमें पूरा लिखने पढ़ने का ज़्यादा सीख सकें, लेकिन वो एक बेस था। उसमें कम से कम मुझे अक्षर पहचानने आते थे, मुझे अल्फ़ाबेट आता था, अल्फ़ाबेट को जोड़ना आता था। लेकिन बड़े होके जब जैसे मंटो पढ़ा तो ये लगने लगा कि काश मैं मंटो को उर्दू में भी पढ़ सकती, या कृष्ण चंद्र पढ़ा, या इस्मत पढ़ा, या शहरयार पढ़ा। तो ये था कि देवनागरी में पढ़ लेना तो चलिए एक बात है, लेकिन अच्छा होता अगर मैं इसको उर्दू में पढ़ पाती। तो अपने आप को मैंने उर्दू पढ़ना लिखना सिखाई, और फिर वहाँ से शुरू हुआ एक सिलसिला ट्रांसलेशन का। 1992 में मैंने पहली दफ़ा ट्रांसलेशन किए प्रेमचंद के, और तब वो 92 में छपे थे द टेम्पल एंड द मॉस्क के नाम से। सो 92 से लेके अब तक मैंने बहुत से ट्रांसलेशन किए हैं। हिंदी तो मुझे आती थी स्कूल की वजह से, लेकिन उर्दू को मैंने अपने आप को खुद पढ़ना लिखना सिखाया। लेकिन आज भी 92 से अब तक मेरा जो काम है, मैं ट्रांसलेशंस उर्दू और हिंदी से इंग्लिश में करती हूँ, हिंदी या उर्दू में लिखती नहीं हूँ। लिखने का काम सारा अंग्रेज़ी में होता है। उर्दू और अंग्रेज़ी में दोनों में आप करती हैं। आप एक फाउंडेशन भी चला रही हैं उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, 2002 में मैंने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का सोचा, उसका नाम है हिंदुस्तानी आवाज़। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, क्योंकि उसमें मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं उसको अकेले ही चलाती हूँ। और पिछले 2002 से लेके अब तक लगभग 15 साल से मैं इसको अकेले चला रही हूँ। इसका मकसद ये था कि देखिए, हमारे पास अंजुमन्स हैं उर्दू की, अकेडमीज़ हैं जो स्टेट लेवल पे होती हैं, आपके राजस्थान में भी ज़रूर होंगी, ऐसे ही दिल्ली में, हर जगह स्टेट लेवल पे संस्थाएँ बनी हुई हैं भाषाओं के लिए, उर्दू हिंदी के लिए और ज़बानों के लिए स्टेट के हिसाब से। वो अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई एक ऐसी स्पेस हो जो कि एक मेन स्ट्रीम जगह हो, जैसे दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, और भी जगहें हैं जैसे कि एटिक एक जगह है, ऑक्सफर्ड बुक स्टोर है। तो इन जगहों पे मैं पिछले 15 साल से उर्दू से रिलेटेड प्रोग्राम्स कर रही हूँ। उर्दू इस वक्त जो लोगों तक पहुँच रही है, आपके जनरेशन के लोगों तक पहुँच रही है, वो प्रोग्रामिंग के ज़रिए पहुँच रही है। यानी वो लोग जो उर्दू पढ़ नहीं पाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो देवनागरी भी नहीं पढ़ पाते। हमारा इंग्लिश मीडियम जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम है, इसने सिर्फ उर्दू को तबाह नहीं किया, इसने हिंदी को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया है। कि भले ही लोग पास होने लायक हिंदी जानते हैं, लेकिन हिंदी में पूरा लिटरेचर नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन उनको फिर भी दिलचस्पी है, वो कान से सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। आप गालिब का एक शेर सुना दीजिए, वो खुश होते हैं, वो वाह वाह करते हैं, हालांकि 80% वर्ड्स उनको शायद ना समझ में आते हों। तो मुझे ये लगने लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं, बड़े छोटे, सिर्फ यंग ही लोग नहीं, बड़े उम्र के भी लोग, जिनको दिलचस्पी ज़रूर है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें, कैसे सुनें, कैसे इस लिटरेचर और इससे जुड़ा हुआ कल्चर। यानी एक चीज़ होती है उर्दू अदब, एक चीज़ होती है उससे जुड़ी हुई तहजीब, पूरा एक तरीक़ा, एक वे ऑफ लाइफ, एक दुनिया को समझने का तरीक़ा। तो ये सब चीज़ें हम कैसे लोगों तक पहुँचाएँ, पढ़ वो पा नहीं रहे हैं उर्दू में, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हिंदी उनको मुश्किल है, यानी अटक अटक के पढ़ते हैं, हर चीज़ तो हम रोमन में नहीं लिख सकते ना उनके लिए। तो मुझे ये लगने लगा 15 साल पहले कि अच्छा होगा कि हम कोई एक ऐसे प्रोग्राम्स करें जहाँ कान से सिर्फ सुना जाए। यानी आप उर्दू के बारे में बात करें, लेट्स से आप पोइट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने 3 इंटरेस्टिंग लोगों को बिठाया। ज़रूरी नहीं है कि वो उर्दू के टीचर्स हों या एकेडमिक्स हों, वो कोई भी हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, किसी को भी उर्दू में इंटरेस्ट है और वो अच्छी तरह से उर्दू के बारे में बात कर सकता है। हमने उनको बुलाया, हमने कहा आज आप गालिब के बारे में इस ऑडियंस को बताइए। फिर मैंने एक सीरीज़ की जिसका नाम था वाई इट स्पीक्स टू मी, क्यों ये चीज़ मुझ लगता है जैसे मेरे लिए लिखी गई है। तो आपको, हमको, इनको सबको लगता होगा कभी ना कभी कि अरे ये तो मेरे दिल की बात है, जैसे मैं कह सकता हूँ ये बात। हमने हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ पढ़ी है जो हमें लगता है ये हमारे लिए लिखी गई है। तो वाई इट स्पीक्स टू मी में हर महीने हम एक किसी इंसान को
کو بلاتے تھے وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا, ضروری نہیں ہے وہ کنونشنل اردو والا ہو, کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے جس کو دلچسپی ہے اردو میں اور جو اچھے سے اس بات کو سمجھا سکتا ہے. تو یہ لوگ آتے تھے اور وہ ہر مہینے کسی بھی ایک چیز پہ, کہ سردار جعفری کی میرا سفر مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے لکھی گئی ہے, قرۃ العین حیدر کی آگ کا دریا کیوں یہ میری فیوریٹ ہے اور مجھے لگتا ہے یہ میرے ہی لیے لکھی گئی ہے. تو ایسے ہر مہینے ہم نے کئی سال تک یہ پروگرامس کیے. پھر آخری جو میرا پروگرام ابھی ریسنٹلی تھا وہ تھا آفرین آفرین کے نام سے, ایک پورے دن کا سمجھ لیجیے لٹریری فیسٹیول, جس میں ہم نے صرف یہی باتیں کی کہ اردو میں ایروٹیکا ہے, اردو میں پولیٹیکل ڈسینٹ ہے, ریزسٹنس ہے, اردو میں وٹ ہیومر اینڈ سیٹائر ہے, اردو میں عورتوں کے بارے میں چیزیں ہیں, اردو میں چٹکلے ہیں, تو الگ الگ پہلو ان پہ بات کی گئی. آپ نے مونومنٹس پہ کام کیا, جب آپ نے انویزیبل سٹی جو لکھی اور بھی کافی آپ نے کام کیا, ان کے بعد کیا حالات بدلے, کیا گورنمنٹ نے کچھ اسٹیپس فارورڈ کرے؟ دیکھیے اردو دلی میں, میں دلی کی بات کروں گی, میں باقی اسٹیٹس کا اتنا زیادہ نہیں جاتی ہوں, جاتی تو ہوں اکثر لیکن جا کے دیکھتی بھی ہوں مونومنٹس کو, لیکن ہر دفعہ کمپیریٹیو انالیسس نہیں کر پاتی ہوں کہ بعد میں کیا ہوا اور ایک سال میں کے بعد دوسرے سال میں کیا ہوا. لیکن دلی میں چونکہ میں مجھے دلچسپی ہے مونومنٹس میں, میں جاتی رہتی ہوں, بھلے ہی میں ان پہ لکھ نہیں رہی ہوں آج کل اتنا زیادہ جتنا پہلے لکھتی تھی, لیکن میری انٹرسٹ ابھی بھی ہے. میری سمجھ یہ ہے کہ دلی میں ایک طرح کی کارڈن سینیٹیر ہے, وہ علاقے جو لوگوں کی نظر میں آتے ہیں, جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, جہاں ٹورسٹ جاتے ہیں, جہاں صفائی ستھرائی مینٹین کی جاتی ہے, وہاں پہ رولز بھی فالو کیے جائیں گے. ایس آئی کا رول ہے کہ بھئی آپ 600 میٹر کے اندر کوئی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, کوئی رینوویشن نہیں کر سکتے, اور بھی بڑے سارے رولز ہیں کہ آپ کو کیا مینٹین کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو کچھ جگہوں پہ جہاں لوگوں کی پینی نظر ہے, جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا ڈر ہے, وہاں پہ رولز کا کوئی الگھن نہیں ملے گا یا کم الگھن ملے گا. لیکن آپ اس کارڈن سینیٹیر سے ذرا باہر نکلتے ہیں, آپ ساؤتھ دہلی کی طرف جاتے ہیں, آپ کھڑکی مسجد چلے جائیے, آپ بیگم پوری ماسک چلے جائیے, آپ شاہ پور چلے جائیے, ساؤتھ ایکسٹینشن چلے جائیے, تو بلیٹنٹ ڈس ریگارڈ فار دا لا ہے. یعنی وہی لا اس ملک کا جو اپلائی ایکس پوائنٹ پہ ہوتا ہے وہ وائی پہ نہیں ہوتا. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ رولز شوڈ بی رولز, دے شوڈ بی مینٹین. جمالی کمالی میں آپ چلے جائیے تو وہ تالا لگا کے اس کے اندر اپنا جھاڑو پوچھا رکھ کے تالا لگا کے وہ غائب ہے, اگر ہم اندر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ اس چوکی دار کو وہاں موجود ہونا ہے, لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام یہ آسان ہے کہ اس نے جھاڑو پوچھے اندر رکھ دیے, تالا لگا دیا اور اپنا غائب ہو گیا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اے ایس آئی جو کسٹوڈینز ہیں ان سارے مونیومنٹس کے, وقف کے پاس زیادہ تر نہیں ہیں, زیادہ تر یہ پرانی بلڈنگس جو ہیں یہ اے ایس آئی کے پاس ہیں. تو اے ایس آئی کا فرض بنتا ہے کہ صرف صفائی ستھرائی, اور صفائی ستھرائی بھی کہیں ہے کہیں نہیں ہے, صفائی ستھرائی اپنے آپ میں نہیں ہے, یہ کہ ان کو کھلا رکھنا ہے, ایکسیسیبل رکھنا ہے. آپ ان کو بند کر دیں گے تو پرپز ہی ڈیفیٹ ہو گیا نا. اگر آپ نے مین گیٹ پہ تالا لگا دیا, لوگ فلان فلان کے اندر جا رہے ہیں, تو پھر وہ فیملی والے لوگ تو نہیں جائیں گے نا, آپ اور ہم تو 100 دفعہ سوچیں گے اپنے بچوں کو وہاں لے جانے سے. پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگس دے فال ان دا ہینڈز آف دی اینٹی سوشل ایلیمنٹس, وہ وہاں بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, شراب پیتے ہیں. تو جب ایسے لوگ ان جگہوں پہ جانا شروع کر دیں گے تو فیملیز کہیں گی بھائی یہ جگہیں سیف نہیں ہیں, ہم نہیں جائیں گے. نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو سوسائٹی کا ہوگا نا, ہم ان جگہوں پہ جائیں گے ہی نہیں, ہم وہ ایک طرح کا ہمارے لیے وہ انویزیبل ہو جائیں گے. تو اپنی کتاب کو میں نے انویزیبل سٹی اسی لیے نام دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے انویزیبل اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم وہاں جاتے نہیں ہیں, ہم وہاں جانا بند کر دیتے ہیں. جب تک ہم وہاں جاتے رہیں گے وہ ہمارے لیے ویزیبل رہیں گے. آپ کے فیوریٹ رائٹرس؟ ایک رائٹر ہیں جن پہ میں نے ایک بایوگرافی لکھی تھی, اردو کی رائٹر ہیں, مہیلا رائٹر, ڈاکٹر رشید جہاں ان کا نام تھا. دیکھیے ہم جو کیٹیگریز بناتے ہیں نا, بڑا رائٹر, مشہور رائٹر, وہ کیٹیگریز ہمیشہ میننگ فل نہیں ہوتی ہیں. وہ ڈاکٹر رشید جہاں کوئی بہت بڑی رائٹر اس سینس میں نہیں تھی, وہ ایک ڈاکٹر تھیں, انہوں نے لیڈی ہارڈنگ سے پڑھا تھا, انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کو جوائن کیا جب وہ 28 سال کی تھی, پھر انہوں نے یو پی میڈیکل پروونشل سروسز کو جوائن کیا, 1905 کی ان کی پیدائش ہے,
एंड शी डाइड इन द 1950s. बट जल्दी उम्र में उनका देहांत हो गया था. वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की फाउंडर मेंबर थी. वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा जिसको कहते हैं उसकी फाउंडर मेंबर थी. उन्होंने बहुत कुछ किया, उतना लिखा नहीं, लेकिन जो लिखा वो एक तरह से बेस था जिस पे आगे के लोगों ने लिखा. मेरी जैसी औरतें, मेरी माँ की जनरेशन की औरतें, उससे पहले की औरतें, उनके लिए उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट किया. उन्होंने कहा कि हाँ आप पढ़ सकते हो, आप कॉलेज जा सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पर्दे में रहो, आप जो मर्ज़ी करो. वो मेडिकल कॉलेज उस समय वहाँ पढ़ने गई, वो हॉस्टल में रही, फिर उन्होंने शी वॉज़ अ वर्किंग वूमन, यूपी मेडिकल सर्विसेज में वो थी. एक शहर से दूसरे शहर उनका ट्रांसफ़र हो जाता था. एक अकेली औरत 1930s-1940s में ट्रेन का सफ़र कर रही है, उस पर उन्होंने कहानियाँ लिखी. तो मेरी वो फेवरेट इसलिए है कि उन्होंने हमें दिखाया कि ये भी पॉसिबल है, इस पर भी लिखा जा सकता है. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस.